आचार्य सिद्धेश्वर फाउंडेशन के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह 2021 का किया गया आयोजन। हाजिर में शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से आप सभी का आरबीसी चैनल पर अभिनंदन। आचार्य सिद्धेश्वर फाउंडेशन चपला के द्वारा गुज़िश्ता दिन प्रतिभा सम्मान समारोह 2021 का आयोजन कर्पूरी मैदान स्थित टाउन हॉल में किया गया। कार्यक्रम का आगाज अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती व आचार्य स्वर्गीय सिद्धेश्वर पाठक की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। अध्यक्षता फाउंडेशन के संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता चंदेश्वर प्रसाद ने की, संचालन अंगद किशोर ने किया। दीप प्रज्वलन के बाद हुसैनाबाद के प्रगतिशील पत्रकार मंच के उपस्थित पत्रकारों को सम्मानित करते देख सकते हैं। प्रगतिशील पत्रकार मंच के अध्यक्ष सैयद नौसाद, मानंद संस्था के अध्यक्ष व पत्रकार परमानंद चौधरी, प्रगतिशील पत्रकार मंच के मीडिया प्रभारी जितेंद्र रावत, शिक्षक व पत्रकार जितेंद्र प्रसाद सम्मानित होते हुए, और अगली कड़ी में आप देख सकते हैं कमलेश कुमार पत्रकार को सम्मानित होते हुए। वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी सिंह को सम्मानित करते नगर अध्यक्ष शशि कुमार, पत्रकार धनंजय कुमार को नगर पंचायत अध्यक्ष शशि कुमार सम्मानित करते हुए। आगे की कड़ी में नगर अध्यक्ष शशि कुमार के द्वारा मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी औरों की तरह सम्मानित होते हुए, नगर अध्यक्ष के द्वारा पत्रकार न्यूज़ 11 के विकास कुमार को भी आप सम्मानित होते हुए देख सकते हैं। इनके अलावा मनोज प्रजापति और अन्य लोगों को भी आप देख सकते हैं सम्मानित होते हुए। आइए सुनते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रेश्वर प्रसाद ने आगे क्या कहा। लेकिन शिक्षा के प्रति उनका इतना लगाव कि वो चाहते थे कि कोई ऐसा काम हो जिससे उनको हम लोग याद करते हैं। और ये सब प्रतिभा सम्मान तो उनके लिए हम उनकी पूरी तरह से जैसा भी हम लोगों ने सोचा था उनका याद कर रहे हैं और उनको। अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न विद्यालय के मैट्रिक इंटरमीडिएट टॉपर्स व असाधारण प्रतिभा वाले 80 विद्यार्थियों को बैग, नोटबुक, पेन, कवर फाइल, छाता आदि भेंट कर सम्मानित किया गया। उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पंचायत के अध्यक्ष शशि कुमार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कि हर वर्ष उसी की तरह जिस तरह से हर साल हमारे दल प्रतिभा सम्मान समूह तो खेल के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग भी कुछ बजट बच्चों के लिए निकालना चाहते हैं और कुछ बेहतर उसमें करना चाहते हैं। हमारे जो भी कार्यक्रम हैं जो बच्चों के साथ आए हैं मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बच्चा बोल रहा था कि वो अपने गार्जियन को ग्रामीण महसूस करा रहा है, उसके गार्जियन का बहुत योगदान है। बात बिल्कुल सही है, आप जितने बच्चे सुन रहे हैं इस बात को ध्यान रखिए कि आपके ज़्यादा नंबर ना मिले या अच्छे आपके लाइफ में आगे बढ़ने से आपके जो गार्जियन का जितना योगदान होता है ना उतना किसी का नहीं रहता। गार्जियन और शिक्षक का बहुत ही योगदान रहता है। बहुत सी चीज़ों को वो अपने शब्दों को दबा कर काट कर गार्जियन आपके लिए आप में अपना सपना देखते हैं, इसीलिए रास्ते से भटकने नहीं। जो अपना लक्ष्य है उसको जब तक प्राप्त ना हो जाए कार्यक्रम के अगली कड़ी में मानस समिति के अध्यक्ष परमानंद चौधरी ने कहा कि बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं। सम्मान समारोह से बच्चों में नई चेतना जागृत होती है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सचिव आलोक कुमार व कोषाध्यक्ष श्रवण कुमार अग्रवाल, सदस्य कमलेश कुमार विश्वकर्मा व शंभु पाठक, हर्ष अंशुमन, सौरभ सिद्धार्थ, शुभम कुमार, राहुल कुमार, रविंद्र कुमार आदि का अहम योगदान रहा है। इस सम्मान समारोह में सम्मानित विद्यार्थियों में अनुमंडल टॉपर्स में रिया सिंह, शिवानी कुमारी, मोनू विश्वकर्मा, अर्चना राज, निशा कुमारी, सोनम मेहता, इंदु कुमारी, तान्या कुमारी, नीरज कुमार मेहता का नाम शामिल है। इंटरमीडिएट टॉपर्स में
नेहा कुमारी शर्मा, काजल कुमारी, अलका आदित्य, कीर्तिमान गौरव का नाम शामिल है। विभिन्न विद्यालय टॉपर्स में हर्ष कुमार कश्यप, श्रेया कुमार, श्री आदर्श कुमार, दीपावती कुमारी, दीपक कुमार, निशा कुमारी, ज्योति कुमारी, चांदनी कुमारी, राहुल गुप्ता, सपना कुमारी, युवराज कुमार पांडे, मोहम्मद नकी इमाम खान, नेहा कुमारी, सोनाली कुमारी, आशुतोष कुमार, हिमांशु कुमार, सोनू कुमार मेहता, श्रिया राज, खुशी कुमारी आदि का नाम शामिल है। आज के लिए बस इतना ही। शेख मुजाहिद इस्लामाबादी के साथ बने रहिए RBC चैनल पर। हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से।